ये मैं अब मेरा हो गया मैं आई एम ब्रेथलेस प्लीज हैव वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल यस आई एम ब्रेथलेस थैंक यू सर मैं बैठ जाऊं हां बिल्कुल परिनीति जी <laughs> <laughs> मेहनत मशक्कत तो दिखाई दे रही है <laughs> <laughs> जबरदस्त और जब मैं मुझे ऐसा लगता है जितना भी मुझे समझ आता है कि जब भी आप इस तरह की कोई फिल्म करते हैं यू नो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बायोपिक तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बिकॉज यू आर पुट समबडीज लाइफ जर्नी एट द सेम टाइम आपको अपनी भी चीज़ें डालनी होती है वॉट वॉज योर नोट्स आपके इमोशनल नोट्स क्या थे आपके प्रोफेशनल नोट्स क्या थे वैन यू वर प्लानिंग दिस ऑल सो देर आर टू थ्री आंसर्स टू योर क्वेश्चन पहली बात तो um, मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी mm. uh, जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी दे वर देवोर मच An extension of me, and also what writers and directors thought I was. And so they were uh, writing roles which were very similar, and I was also choosing those films. Um, when this film came into my life, it was exactly what I was looking for because I was looking to surprise everybody, I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy, whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So, a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So, biopic was like, Um... and then there was Amol एंड देन देर वॉज अमोल्सो लिटरलीज व टू नेट साइना नेहवाल अमोल गुप्ते कहाँ साइन करना है ना कि मैंने प्रेप के लिए क्या किया मैंने ये क्या किया वो क्या किया जब ये फिल्म की जब मुझे नरेशन मिली थी कि बैडमिंटन खेलना है अब हम सब सोचते हैं कि हमको बैडमिंटन आता है क्योंकि हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं और गली बैडमिंटन खेलते और मुझे लगा दो तीन दिन में हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग मुझे बैडमिंटन तो आता ही है मुझे सिर्फ शूटिंग पे पहुंचना है लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे पहुंची और मेरे जो कोच सर हैं ईशान जो यहाँ बैठे हैं बाद में आएंगे उन्होंने बोला आपने रैकेट ही गलत पकड़ा है Wow. तो ओह oh. okay. <laughs> ये तो थो थोड़ा हाँ, फ्लॉप शो हो गया एंड <laughs> <laughs> फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग प्लेयर्स हैं hmm. और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए दुनिया में खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है और जो हम गली बैडमिंटन खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है huh. तो माय पर्सनल गोल विद दिस फिल्म इज कि लोग समझें कि जो हमने सीखा है मैंने सीखा है और जो बैडमिंटन की कदर होनी hmm. चाहिए इस कंट्री में वो होनी ही पड़ेगी क्योंकि आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर गेम एज हेक्टिक एज डिफिकल्ट टू प्ले एज बैडमिंटन बट द प्लेयर्स मेक इट लुक सो इजी एंड वी प्ले अंडर आर हाउसिज एवरी इवनिंग दैट वी थिंक इट्स वेरी ईजी सो आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड इट टुक मी ऑलमोस्ट फाइव टू मंथ्स टू जस्ट गेट रेडी विद अ बेसिक थिंग फॉर द शूट सो दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज दैट वॉज माई प्रेप इमोशनली आई लेफ्ट एवरी थिंग टू स यू नो हिम बींग द एक्टर दैट ही इज आई यूज टू ड्रेड द डेज कि कभी कभी वो आके सीन दिखाते थे करके मुझे लगता था ओ माई गॉड मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसे यू नो बिकॉज सर्च जिस तरह से करते यू कॉन्ट हैट इमोशनल डेप्थ बट वॉज इट इमोशनलीवरवे यू oh, नो you know, किसी किसी के किरदार को प्ले करना उस उसके पॉइंट्स दिमाग में रखना एट द सेम टाइम यू नो अगर वो वो चीज़ आप बिल्कुल सामने रख देते हो देन यू गेट लाइक ओ ग डन इट दैट फीलिंग वन हंड्रेड परसेंट बाईद आपको बताती हूँ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जो अभी भी अगर नेशनल एंथम आप प्ले करें ना तो मुझे और मैं रोने लग जाती हूँ एंड मैं जेन्यूनली ड्रमेटिक होने के लिए नहीं बोल रही हूँ अभी तक नेशनल एंथम इज माई फेवरेट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल टाइम्स बिकॉज अभी तक मेरे को लगता है कि देर इज नथिंग एल्स लाइक दिस एंड दिस फिल्म बींग अबाउट अ नेशनल हीरो About the stuff that he's written, you the know, things that she's One says. thing I have to interject is uh, there are two amazing voices floating in this uh, auditorium. One is Miss Chopra, <laughs> who is, I think, a phenomenal singer. Oh and uh, she's got her graduation in music, <laughs> which very few people know. And of course, my dear rock star, Amal Ka Kakamal. Kakamal. <laughs> And of course, Ishan is also an aspiring musician. More power to you, boy. <laughs> so, to answer your question, uh, there is so much patriotism. Naturally, in this film, because of who we are making this film on, world number one is what she achieved. Nobody else has been able to do it. So, the stuff that I used to say, the scenes that were written used to make me emotional. So, actually, any of the crying that you see in the film is not fake because it actually yeah, came just, from within. Exactly. And it didn't matter if I was doing three takes or ten takes, it would just come every time I would say that line. Yeah. Or if somebody said, tum is.

शाय की है, शाय हो. ये है सायना, और छोटी मैं हु इज ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस कंट्री ऑल्सो दैट इज ईशान ही इज प्लेंग साइनाज नाउ हजबेंड कश्यप एंड ही वॉज ऑल्सो द कोच तो जो कुछ भी मैंने बैडी uh, के बारे में सीखा है वो लिटली ईशान के साथ रोज तीन तीन चार चार घंटे खेल के सीखा है

passion and the way he was working on the film mm. manika sir, i am i have to be part of this i, I have to be part of this film because i have played badminton all my life mm. my family has been into sports so i had to be part of this mm. film and uh, i you know the minute i got this opportunity i asked sir and he believed in me and you know he had faith in me and also pari kept his uh, faith in me and we worked wow. together and you know rest is his <laughs>

Na Naisha tell the tell everybody your national ranking I am India number three in singles and India number wow. one in doubles Lovely, wow, lovely same, as, same, as, me, same, lovely. same as, as Parini same as me yeah <laughs>